नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गाजीपुर में दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। लोग कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन की देवी की उत्सव का प्रारंभ होने के कारण इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। पर्व को लेकर जमकर खरीदारी भी हो रही है। भीड़ को देखते हुए तिराहे चौराहों के साथ ही मुख्य बाजारों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यातायात पुलिस भी भीड़ को देखते हुए सतर्क नजर आ रही है। सबसे ज्यादा भीड़ बाइक एजेंसियों, लक्ष्मी गणेश मूर्ति बेचने वाले दुकानों पर हो रही है। सोमवार की शाम मिश्र बाजार व महुआ बाग में अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ ज्यादा देखी गई। लंका मैदान में दुकानदार पटाखा की दुकान लगाने के लिए टीन सेट वगैरह भी लगा दिए हैं। बुधवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। इस वर्ष वे दो दिन पहले से ही खरीदारी शुरू कर दिए हैं। धनतेरस पर खरीदारी के लिए कार व मोटरसाइकिल की एजेंसियों में पहुंचकर लोग अभी से बुक करवा रहे हैं। इसी प्रकार मिठाइयों की दुकानों व ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर खरीदारी जमकर हो रही है। लक्ष्मी गणेश जी की चांदी के सिक्के, पुराने सिक्के, मूर्ति, लक्ष्मी जी की चरण पादुका और इत्यादि सोने चांदी के सामान वगैरह खरीदा जाता है। आज के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। जैसे मैं देखा था गिन्नी का ज्यादा बिकता है, गिन्नी क्या? गिन्नी का महत्व जरा आज के दिन ज्यादा है। लोग ज्यादातर गिन्नी ही पसंद करते हैं। वो भी गिन्नी में पुराना सिक्का, नए सिक्के का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है, पुराना सिक्का ही ज्यादा। पिछले साल क्या रेट था? बताइए पिछले साल का रेट क्या था, इस साल रेट क्या है? क्या है पिछले साल की रेट? तो बहुत ज्यादा थे। पिछले साल लगभग 900 से 1000 रुपए का सिक्का बिकता था। इस साल 750-800 रुपए का सिक्का बिक रहा है। धन की लक्ष्मी देवी की पूजा किया जाता है और सब लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से खरीदारी करते हैं, जिसका जितना बन पड़ता है। और सब लोग अपने मन से यही चाहते हैं कि सबके घर में सुख समृद्धि आए और लक्ष्मी जी की कृपा सबके घर बने। मेरी तरफ से सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सिद्धार्थ कश्यप, भाजपा युवा नेता शाहजहांपुर, संगठन महामंत्री एकलव्य फाउंडेशन उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।